हे गाइस, गुड मॉर्निंग. सो वेलकम बैक. आज है 3rd of Jan. ठंड यहाँ पे है फाड़ की. मैं अभी हूँ जयपुर में और कल मैं बस शाम में जयपुर पहुँचा था और आसपास के लोकेशंस बस ऐसी आई वाज जस्ट स्ट्रोलिंग. जो वहाँ पे हवा महल है जो बहुत ही फेमस है स्ट्रक्चर, वहाँ पे गया था. फिर अल्बर्ट म्यूज़ियम गया था. अंदर नहीं गया था अल्बर्ट म्यूज़ियम के, बाहर से ही उसका व्यू लिया. फिर उसके बाद गया था बिरला टेम्पल. तो बिरला टेम्पल में कुछ शॉट नहीं ले पाया था. तो रात को आई केम बैक एंड आई स्लेप्ट. फिर अभी हम जा रहे हैं अमर फोर्ट, जो यहाँ पे और ज़्यादा फेमस है जयपुर में. मैं यहाँ पे रुका हूँ ज़रा मैप देखने के लिए. और कुछ नहीं, यहाँ से राइट लेके लेफ्ट लेके सीधा आना है. हैंग नहीं कर सकता, न्यू फ़ोन है. आजकल वो रील्स आ रहे हैं ना कि कैमरास ख़राब हो जाते हैं. यहाँ से अब जा रहे हैं अमर फोर्ट. अमर फोर्ट यहाँ से कुछ 20-22 किलो मिनट्स के डिस्टेंस पे है. तो वहाँ पहुँचेंगे और दो तीन प्लेस और हैं वहाँ पे, जैसे कि मीना कुंड है आई थिंक. और सुबह जब मैं निकला ना यहाँ पे, रूम से बाहर निकला बिना जैकेट के, बाहर निकला हूँ जैकेट में, नॉट राइडिंग जैकेट, विंटर जैकेट, ये सोच के कि यार जो मैंने स्वेट शर्ट पहन रखा है उससे काम चल जाएगा. लेकिन नहीं बेटा, जैसे ही मैं डोर पे आया, होटल के डोर पे आया, जो ठंड लगी. अभी भी मुझे ग्लव्स लेना चाहिए था, मैंने ग्लव्स नहीं लिया. सॉलिड 10 डिग्री है, फुल फॉगी है और कंप्लीट ठंड. तो ये है वेदर कुछ जयपुर का. और मज़ा तो आता है विंटर में, लेकिन हालत भी उतनी होती है विंटर में. तो हाँ, तो भाई अब यहाँ से पहुँचते हैं आगे और मिलते हैं आपको ऑन द वे. ये है मॉर्निंग जयपुर का वातावरण. यही था क्या? हाँ, बॉम्बे. सर्कल से लेफ्ट ना. थैंक यू भाई. जयपुर ऐसे एक्सप्लोर करने में था नहीं. जयपुर हॉल्ट रुकना, जयपुर में हॉल्ट लेना पड़ा मुझे कल. तो सोचा हॉल्ट ले लिया है तो थोड़ा घूमते हुए निकलते हैं. तो यहाँ से मुझे जाना है जोधपुर. और अभी अपन फटाफट 3 घंटे के अंदर थोड़ा क्विक राउंड मार लेंगे जयपुर का और यहाँ से निकल के. तो होपफुली 12 बजे हम यहाँ से जोधपुर के लिए निकले. जोधपुर यहाँ से 5 से 6 घंटे. तो 6 घंटे मतलब 6 से पहले जोधपुर अपन पहुँच जाएंगे. तो ऐसा कुछ प्लान है. और यहाँ से जाते ही चेकआउट भी करना है, 11 बजे का चेकआउट है. मस्त यहाँ का बहुत प्यारा व्यू है यार. मतलब पूरा फॉगी हो रुका है. अभी हिल पे चढ़ रहा हूँ. अभी यहीं पे वो अमर फोर्ट है. अमर है या अमेर है? अमर है आई थिंक, अमेर फोर्ट. ये यहाँ से पूरा हिली व्यू था. बीच में एक लेक था जो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, इतना फॉगी था. जाते वक्त दिखाता हूँ अगर वही फॉग वापस रहा तो. ये देखो सूरज निकला हुआ है, इस तरीके से दिख रहा है. यहाँ से कुछ 3 किलोमीटर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, बस पहुँच ही गया. ओह, अब ऐसा लग रहा है हम जयपुर के किसी जंगल के अंदर जा रहे हैं, जैसे रणथंभौर. और रणथंभौर का एंट्री थोड़ा बहुत ऐसे ही है, बस रोड जितने अच्छे नहीं है. ये व्यू देखो, फुल फॉग, फुल फॉग. टाइम हो रहा है अभी 9:30, 9:36. पर यहाँ पे एक छोटा सा लेक है आई थिंक, जो दिख ही नहीं रहा है. बहुत मस्त मौसम हो रखा है भाई. बहुत मस्त हो चुका है यहाँ का एटमोसफियर, बहुत प्यारा है. वहाँ पे एक फोर्ट है यार जो हल्का हल्का दिख रहा है मेरे को, मुझे पता नहीं आपको दिख रहा है क्या. नहीं, वाओ, यही है क्या अमेर फोर्ट? कोई बात नहीं भाई, थैंक यू यार. सेकेंड कट से लेफ्ट ना. ओके ओके, थैंक यू. क्या प्यारा है यार लोकेशन. हाँ, आमिर फोर्ट. और ये चले हम आमिर फोर्ट.
मस्त लग रहा है यार ये गली। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मस्त। राजस्थान क्राफ्ट हैंडलूम म्यूजियम, हैंडलूम म्यूजियम भी है यहाँ पे। आई थिंक दिस इज द एंट्री ऑफ आमेर फोर्ट। माँ की आंख। आगे से है, आगे से है। सो ये है आमेर फोर्ट। यहाँ से नो एंट्री, यहाँ पे पार्क करना पड़ेगा अपने को। तो ये अभी आमिर फोर्ट पे, मतलब यहाँ पे पार्किंग में अभी जा रहा हूँ ऊपर की तरफ। ऊपर देखते हैं कि क्या नज़ारा है। आपको फिलहाल यहाँ का नज़ारा बताता हूँ। यहाँ पे सीसीटीवी है महल के अंदर। राजाओं के तो मजे थे भाई, नो ऑफेंस। सो वी आर एग्जिटिंग नाउ और क्विकली यहाँ से निकलते हैं, कुंडी की तरफ जाते हैं एक्सप्लोर करके यहाँ से। कल्डी फोर्ट से एग्जिट ले लिया, अभी यहाँ पे जाते हैं एक मीनू कुंड करके है, पन्नू पन्ना मीनू कुंड करके, तो वो एक देख के वी विल गेट बैक टू हॉस्टल। सो यहाँ आ गए हम बनामीना कुंड। सो अभी यहाँ से निकलते हैं और हॉस्टल जाते हैं। तो पैकिंग ज़्यादा कुछ नहीं है करने के लिए, हल्की फुल्की कर लेते हैं, फिर वहाँ से निकलते हैं जोधपुर। और ये व्यू है आमिर आमिर पैलेस का, ये व्यू है। ये एक्चुअली दिख नहीं रहा था, इसके बीच एक पैलेस है, हर 2 किलोमीटर पे एक पैलेस है राजस्थान में, पुराने नए। भाई इतना टाइम तो पहुंचने में नहीं लगा था जितना टाइम वापस जाने लग रहा है, इतना ट्रैफिक है। सो यहाँ पे डरा हुआ था मैं मुस्टैश, और हॉस्टल है, बेड्स वगैरह भी है, रूम्स भी है। सो ऑफ टू जोधपुर, गणपति बप्पा, ओम नमः शिवाय।
टाइम अभी हो रहा है 12:30। अब तक का जो डिस्टेंस अपने कवर किया है वो है 2806 किलोमीटर टोटल बता रहा हूँ मैं। पर अभी यहाँ से जोधपुर कुछ 350 किलोमीटर्स है। यहाँ पे ट्रैफिक वैफिक का सीन काफ़ी है यार, कोई बात नहीं, जो टाइम पे मैं निकला हूँ सिटी ट्रैफिक मिलना ही है। 6:30 बज जाएगा मेरे को पहुँचते पहुँचते, अगर अच्छा रोड मिला तो शायद थोड़ा और जल्दी। उदयपुर जोधपुर राइट, अपन ज़्यादा भी लेट नहीं है क्योंकि 12 बजे मैंने सोचा था कि जयपुर से निकलूँगा, लेकिन 12:30 बजे स्टिल फाइन। तो अंधेरा जल्दी हो जाता है, विंटर्स है तो अंधेरे में चलाने का थोड़ा अवॉइड कर रहा था मैं, लेकिन अभी क्या ही कर सकते हैं। जैसे ही गियर्ड अप होकर बाइक पे बैठ जाता ना, एक अलग ही एनर्जी आ जाती है भाई। थोड़ी देर पहले मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और जैसे ही इस पर बैठा सब ख़त्म। पिछले एक हफ्ते में अब गर्मी का एहसास हो रहा है, और क्यों? ये ट्रैफिक में जितनी गाड़ियाँ हैं ना, उनके इंजन की जो गर्मी है, ये पोल्यूशन की जो गर्मी है ना बेसिकली, उसकी हीट का एहसास अभी हो रहा है। मैं तो जहाँ भी घूम रहा हूँ, जहाँ तक जा रहा हूँ, इवन इन जयपुर ठंड ही ठंड है। अभी ये ट्रैफिक की वजह से गर्मी लग रही है, लगा नहीं था कभी ट्रैफिक में भी अच्छा लगेगा, लेकिन ठंड के बाद कुछ टाइम का ये हीट भी अच्छा लग रहा है। ये यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ उसकी वजह से जानता ही है। लंच ब्रेक ले लिया तुरंत, अभी फटाफट लंच करते और आगे निकलते। तो मैं बोला अभी आगे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो लंच फॉर टुडे पनीर टिक्का, बहुत टाइम से खाया नहीं है तो आज खा के निकलता हूँ आगे। सुबह ब्रेकफास्ट तो किया नहीं था मैंने, तो अभी लंच थोड़ा प्रॉपर कर दिया ताकि ऑन द वे कहीं रुकूँ नहीं, तो हैवी भी कह सकते हैं। हैवी मतलब क्या ही है, थोड़ा सा राइस दो रोटी, क्या ही हैवी है इसके अंदर। छोटा सा वाटर ब्रेक कंटिन्यूसली बैक टू बैक ही चला रहा था, तो बीच में कोई कैबिनेट मिनिस्टर है अविनाश गहलोत रे पे थे, जिनकी वजह से थोड़ा ट्रैफिक था। और ऑन द वे मतलब हर 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जितने भी गाँव है सब बाहर आके खड़े हुए थे हार वार लेके। कोई प्यारा सा छोटा सा गांव है जहाँ पे रुका हूँ, बस हो गया अब निकलते हैं आगे। और यहाँ से 6:30 का ATM अभी बता रहा है, और 7:30 का हो गया था लंच पे रुकने के बाद, तो डिस्टेंस अच्छा कवर हुआ है अभी। तो ब्रेक इज़ ओवर, आगे निकलता हूँ और 1.5 घंटा है अभी यहाँ से, और विलेज में मिलते हैं। ऐसा व्यू रहेगा ना तो लीवर पे अपने आप ब्रेक लग जाता है। हो गया ऑल सेट, अभी निकलता हूँ। और चाय पीते पीते एक रोड शॉट लेते हैं, रोड शॉट तो बनता है ये सनसेट का। भैया जी आप हो, एक चाय मिलेगा, मिल जाएगा ना, फटफट एक ड्रोन शॉट लेते हैं यहाँ से। शाम होती ठंड स्टार्ट, अंकल ने मस्त यहाँ पे लगा रखा है, थोड़ा सेकुटी लेके निकलते हैं।
और अपना फेवरेट इवनिंग स्नैक चाय और पार्ले जी करता हूँ, निकलता हूँ आगे। जयपुर के मुस्टैच से निकला और जोधपुर के मुस्टैच में पहुंच गया। तो चेक इन कर लिया है फॉर टू नाइट्स, तो जस्ट लगेज अंदर रखना है और फ्रेश होके मिलता हूँ। अभी हॉस्टल के अंदर आ गया हूँ, 8 बेड्स हैं, तो मैंने लिया है ये नीचे वाला। लगेज वगैरह जाएंगे इसके अंदर, तो टू नाइट्स यहीं पे, फिर अभी चिल मारते हैं। अभी नहा धो लेता हूँ, जाके खा पी लेंगे कुछ, की प्लानिंग शुरू करते हैं कि कल क्या करना है। तो ये वीडियो मैं अभी यहीं एंड करता हूँ गाइस, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन, और प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल, फ्रेंड्स एंड फैमिली। ओके, अभी आपके सपोर्ट की ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ डू सपोर्ट एंड गुड नाइट। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में।